गुरु पूर्णिमा मेला संपन्न होते ही एनजीटी कोर्ट हरकत में आ गया है। तभी तो कोर्ट पिछले 3 दिनों से लगातार परिक्रमा मार्ग और कस्बे का निरीक्षण करने में जुटा हुआ है। कभी ई रिक्शे से तो कभी पैदल ही निरीक्षण किया जा रहा है और खामियां मिलने पर प्रशासनिक अधिकारियों की जमकर क्लास भी लगाई जा रही है। गुरुवार को कोर्ट कमिश्नर आनंद वर्धन शुक्ला अपने निरीक्षण के अभियान को फाइनल टच देते हुए गोवर्धन से लेकर जतिपुरा और राधाकुंड से लेकर पूरे परिक्रमा मार्ग का भ्रमण कर दिया, बिंदुवार समस्याओं को नोट किया और संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आनेर में भीतरी परिक्रमा मार्ग में गिरिराज जी की तरफ नालियों के गंदे जल भराव की ओर जतिपुरा स्थित दुग्ध शोधन प्लांट और गोवर्धन में मुकुट मुखार बिंद मंदिर के सामने खड़ी जर्जर इमारत को देखकर साहब का माथा ही ठनक गया। फौरन संबंधित अधिकारियों को बुलाया और लताड़ते हुए कहा कि आपने अभी तक इस ओर क्यों ध्यान नहीं दिया। इसके बाद कमिश्नर साहब ने दान घाटी पे दुग्ध शोधन प्लांट का जायजा लिया, जहां लोगों ने शिकायत की कि प्लांट का दुग्ध युक्त पानी पास की कॉलोनियों में जा रहा है, इसकी उचित निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई। वहीं कमिश्नर आनंद वर्धन शुक्ला ने मेले के बाद परिक्रमा में डाली जा रही मिट्टी को लेकर बताया, ये मिट्टी बाद में आने वाले श्रद्धालुओं के काम आएगी। क्या निरीक्षण किया आपने, उसके विषय में कुछ? देखिए, मुंडिया पूनम के तुरंत बाद, मुंडिया पूनम के दौरान और उसके पहले लगातार हम घूम घूम के देख रहे थे कि जनता को कोई असुविधा न हो, साफ सफाई रहे, बिजली रहे, पानी रहे, लोगों को असुविधा न हो, एम्बुलेंस रहे, फायर ब्रिगेड रहे, जितनी प्रकार की सुविधा हो रहे। तो उसका एक कल हमने एक मीटिंग ली थी मथुरा में जिला कलेक्टर कार्यालय में और वहाँ पर सभी की समीक्षा की गई। कुछ पॉइंट्स जो मेरी नॉलेज में थे जो नहीं हो पाए थे वो दिखाने के हिसाब से मैं आज आया था। माननीय ADM साहब, SP साहब, ग्रामीण SDM सब लोग मेरे साथ थे, नगर निगम के लोग, जल निगम के लोग, फॉरेस्ट के लोग, PWD के सब मेरे साथ थे। तो जो जो पॉइंट मुझे लगे कि जो ठीक होने चाहिए थे उनके बारे में मैंने उनसे बात की, उनको घटना स्थल पर मौके पर दिखाया ले जाके, यहाँ ये इम्प्रूवमेंट हो सकता है और मुझे खुशी है कि सभी जगह टीम का समय काम कर रही है। सर, जैसा कि आपने रास्ते में देखा था, ये कई जगह मिट्टी डाल रखी है परिक्रमा में, ये मिट्टी जो कि पहले डालनी चाहिए थी गुरु पूर्णिमा मेले से, उसको बाद में डालने से अब क्या लाभ मिलेगा? क्या आप सोचते हैं कि परिक्रमा आप चलना बंद हो जाएगी? ये तो चलती रहेगी ना, तो आने वाले को सुविधा मिले इसके लिए हम पिछला काम बंद तो नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये पहले आगे भी चले तो समीक्षा यही तो होती है कि जो नहीं हुआ उसको करें, इसीलिए करवा रहे हैं। सर, राधाकुंड मुखराई मार्ग पर पेड़ कटान का मामला सामने आया था। सर, कटान? हाँ, पेड़ काटे गए थे राधाकुंड को मुखराई मार्ग पर, ग्राम प्रधान द्वारा। जितने भी पेड़ काटे गए उसके कितने गुना लगाए गए आप जरा सब जगह जाके देखिए, कितने पेड़ लगे सर, कितने सर्वाइव कर रहे हैं। हमने तो ऊपर से भी देखा है, जितनी ग्रीन बेल्ट आज ये नजर आ रही है, गोवर्धन के लोग बधाई के पात्र हैं कि पूरा का पूरा ग्रीन बेल्ट बन रहा है और इसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और प्रशासन भी बधाई का पात्र है जो उनको मेंटेन कर रहा है। सर, अभी तो नियम भी ये बना रखा है कि एक पेड़ के बदले 10 पेड़ लगा रहे हैं, 10 पेड़ लगा रहे हैं और पेड़ सर्वाइव कर, सबसे बड़ी बात यह है। अगर कुछ डेवलपमेंट के काम के लिए कुछ पेड़ अगर कटे हैं, हालांकि मैं मानता हूं वो भी नहीं कटने चाहिए, लेकिन अगर कटे हैं तो उनके 10 गुने लगे भी। सर, मानसी गंगा अभी भी दूर सकता है? मानसी गंगा के बारे में अभी मैंने आपके सामने बात की, पूर्व वाली मीटिंग में भी मानसी गंगा की बात हुई थी और मुझे ये बताते हुए अच्छा लग रहा है कि जल्दी ही मतलब मानसी गंगा का कोई ना कोई अच्छा विकल्प उसको साफ करने का ढूंढ लिया जाएगा और इस संबंध में तेजी से कार्रवाई की जाएगी, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। सर, ये जो दूध चढ़ता है दान घाटी के, उसके बाद यहाँ प्लांटों पे आता है और ऐसी नालियों में बह के जाता है और काफ़ी स्मेल, गंदी बदबू और लोग काफ़ी बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, तो क्या व्यवस्था है इसके प्रॉपर निस्तारण के लिए? आपने देखा आज हमने बात की है और प्रशासन भी इस बारे में सजग है और जल निगम जल्दी ही, हालांकि उन्होंने मुझे 10 दिन के अंदर कहा है कि इसका समाधान निकल जाएगा। अगर ये पानी छू निकलता रहे, एक जगह रुके नहीं, तो बदबू नहीं आए। तो मैंने इन लोगों से जो चला रहे हैं यही कहा है कि आप आश्वस्त करें कि पानी जमा न हो एक जगह, तो वो निकलेगा और मैं समझता हूँ। वैसे मैंने एक चीज़ देखी।